हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी केवी डीके में फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, आज के दिन 2 दिसंबर के दिन में फिर से 8:30 बजे ऑनलाइन आऊँगा, तो सभी दोस्तों लोग तैयार रहेंगे और आज हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे आप लोग का छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय को अच्छे से समझेंगे और जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उसको भी बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा होने वाला है दोस्तों, जिसमें से आप लोग का जीएस से पोर्शन छत्तीसगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसमें से आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलो तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिला है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जिला है, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिला पूर्ण जैविक जिला है पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, चलो तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। तो देख, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग अपने जिला में, मतलब अपने छत्तीसगढ़ में देखते हैं सबसे पहले अनुसूचित जिला के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक मैप बना लीजिए अच्छे से, यह आप लोग का छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे पहले जानना है कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, सब जानते हो 5 संभाग। देखो ये है आप लोग का बस्तर संभाग, यह है दुर्ग और यह रायपुर और ऊपर आप लोग का बिलासपुर और सरगुजा संभाग। तो दोस्तों याद रखना है, हम सभी जानते हैं कि हमारे बस्तर में है आप लोग का 7 जिला, दुर्ग में है अभी वर्तमान में आप लोगों का 7 जिला, और आप लोग का रायपुर में है 5 जिला, और बिलासपुर में है 8 जिला, और यहाँ सरगुजा संभाग में है 6 जिला। ठीक है दोस्तों, इतना हम सभी जानते हैं, वो कौन कौन से जिला ये भी जानते हो। तो आज मैं बता दूँ, सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जिला है। तो देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जिला, तो याद रखना दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल अनुसूचित जिला की संख्या है अभी वर्तमान में 16। अभी वर्तमान में कितना है दोस्तों? 16। तो याद रखना, देखो सबसे पहले याद रखना आप लोग टोटल सरगुजा संभाग अनुसूचित जिला है। ठीक है, इसके बाद बस्तर संभाग पूरा आप लोग का क्या है? अनुसूचित जिला है, अर्थात इसमें का जो 7 जिला है टोटल अनुसूचित जिला है, इसमें का जो टोटल 6 आप लोग का जिला है कितना हो जाएगा? अनुसूचित जिला है। 7 और 6 कितना होगा आप लोग का? 13। 13 में से और जानना है दोस्तों आप लोग को, हमारा नया जिला बना था आप लोग का राजनगांव से लेकर के मोहला मानपुर, एक जिला ये हो जाएगा। ठीक है, मोहला मानपुर के बाद याद रखना है दोस्तों आप लोग को गौरेला पेंडा मरवाही, आप लोग को यहाँ याद रखना है बिलासपुर से लेकर के बना था गौरेला पेंडा मरवाही, और एक जिला याद रखने अलग से कोरबा। ठीक है, याद रहेगा। देखो तो दुर्ग संभाग में एक जिला और बिलासपुर संभाग में 2 जिला। इस प्रकार टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में कितने आप लोग का अनुसूचित जिला है? 16 अनुसूचित जिला है। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले याद रखना सरगुजा में कौन कौन से जिला आता है, देख लो आप लोग सरगुजा में। तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों एमसीबी के बाद याद रखना है कोरिया। ठीक है, फिर याद रखना है आप लोग को सूरजपुर के बाद याद रखना है बलरामपुर। ठीक है, और याद रखना है जसपुर के बाद याद रखना है छठवां आप लोग का सरगुजा। ठीक है, ये टोटल 6 जिला आता है हमारे सरगुजा संभाग के अंतर्गत, जो कि 6 के 6 क्या है? अनुसूचित जिला है दोस्तों। क्लियर है? फिर आप लोग का देखा जाए कोरबा में कौन कौन से आकांक्षी जिला है, मतलब अनुसूचित जिला है। तो अनुसूचित जिला याद रखना 2 दोस्तों, एक गौरेला पेंडा मरवाही और कोरबा जिला। ठीक है, आप लोग का दुर्ग संभाग में 1 है, दुर्ग संभाग में मोहला मानपुर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के गठित आप लोग का 29वां जिला है, नवगठित 29वां जिला मोहला मानपुर है दोस्तों, जो कि 2 सितंबर 2022 को क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। ठीक है, बस्तर में 7 के 7 जिला आप लोग का अनुसूचित जिला है। तो क्या क्या है 7 के 7 जिला? देखो बस्तर में याद रखना दोस्तों, बस्तर में 7 जिला हम सभी जानते हैं आप लोग का। पहला हो जाएगा आप लोग का बस्तर, दूसरा हो जाएगा आप लोग का कांकेर, तीसरा हो जाएगा आप लोग का दंतेवाड़ा, उसके बाद याद रखना है आप लोग का चौथा में आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? बीजापुर याद रखना, बीजापुर के बाद याद रखना आप लोग बस्तर से लग करके बनाया गया था नारायणपुर वाला। ठीक है, तो 5वां में हो जाएगा नारायणपुर,
ठीक है, नारायणपुर हो जाएगा, फिर हो जाएगा सुकमा, हो जाएगा दंतेवाड़ा से ला करके बनाया था सुकमा, ठीक है। एक और बच गया आप लोग का कोंडागांव, ठीक है दोस्तों, आप लोग का हो जाएगा सातवा कोंडागांव। एक दो तीन चार पाँच छः और आप लोग का ये सातवा कोंडागांव। इस प्रकार से सातों के सातों आप लोग का क्या है दोस्तों, ये हमारा अनुसूचित जिला है। क्लियर है, इतना याद रखें अनुसूचित जिला में। देखो आप लोग को पूछ देगा 2000, देखो एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, 2018 में कितने अनुसूचित जिला थे, तो 2018 में याद रखना दोस्तों आप लोगों का, हमारा बताया जाए 2018 में, तो 16 में 3 घटा देंगे तो 13, कितने अनुसूचित जिले थे 13। क्या क्या हमारे सभी, देखो आप लोग का जो मनेंद्रगढ़ था तो नया अभी बना है, ठीक है, एक ये हट जाएगा और उसके बाद आप लोग का मोहला मानपुर हट जाएगा और आप लोग का GPM हट जाएगा। क्लियर है, ये तीनों को हटा देंगे, तीनों को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 13, 16 में हम यदि 3 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों 13 बन जाएगा, ठीक है। तो 2018 में, ठीक है, 2018 में कितना था आप लोग का टोटल 13 अनुसूचित जिला था। अगर बात कर देगा 2019-20 की, 2019-20 में कितने आकांक्षी जिले थे करके, तो 19-20 में हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 2019-20 में कितने अनुसूचित जिले थे करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है आप लोग को दोस्तों हो जाएगा, तो हो जाएगा आप लोग का 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हमारा 19-20 में गोरला पेंडा मोरवा ही जुड़ गया, तो ये हो जाएगा आप लोग का 14, अकेला ही जुड़ेगा ना, क्योंकि हमारा 2019 में घोषणा करके 2020 में 10 फरवरी को आप लोग का गोरला पेंडा मोरवा को जिला बनाया गया था, जब जिला बनेगा तब तो इसको अनुसूचित जिला घोषित करेगा, ठीक है, तो हो जाएगा आप लोग का 14 जिला, ठीक है। 14 जिला 2019-20 में क्या था आप लोग का अनुसूचित जिला था। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में, वर्तमान में 2021 से लेकर के अभी 2023 तक वर्तमान में कितने अभी क्या है आप लोग का अनुसूचित जिला है, तो वर्तमान में 16, 14 में दो जुड़ गया, एक MCB जुड़ गया सरगुजा से अलग करके, ठीक है, मतलब सरगुजा संभाग में आप कोरिया से अलग करके, कोरिया से अलग करके MCB बनाया गया, और राजनांदगांव से अलग करके क्या बनाया गया था मोहला मानपुर बनाया गया था, तो ये दो दोनों दो को और जोड़ देंगे 14, तो 14 और 2 16। इस प्रकार से टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जिलों की संख्या कितने हैं दोस्तों आप लोग का 16 याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिला है, चलो देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आकांक्षी जिला को देखते हैं। तो आकांक्षी जिला सबसे पहले देखते हैं कि आकांक्षी जिला कहते किसे हैं, ठीक है, आकांक्षी जिला क्या है, तो आकांक्षी जिला उसको कहते हैं, देखो दोस्तों 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 2018 में देखा जाए तो बहुत सारे जिले हमारे क्या थे, बहुत ही आर्थिक स्थिति से, शिक्षा स्थिति से, सामाजिक स्थिति से बहुत ही कमजोर थे, तो उन सभी का शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर में विकास करना ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले योजना, जिससे हमारे सभी जिलों का क्या हो, विकास हो। मुख्य रूप से वही सभी जिला जो आप लोग का शिक्षा स्तर से, स्वास्थ्य स्तर से, शिक्षण जो सभी कमजोर था, तो उसको विकास करना, उसको वृद्धि करना ही हमारा क्या कहलाएगा, आकांक्षी जिला कहलाएगा, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक से, शिक्षा से, और आप लोग का शिक्षक साथ स्वास्थ्य से, सभी का विकास करना ही क्या कहलाएगा, आकांक्षी जिला कहलाएगा। तो कहाँ से आकांक्षी जिला कहलाएगा, वो जहाँ से शिक्षा स्तर कम रहेगा, जहाँ से आप लोग का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, जहाँ से आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगा, उसी को तो हमें आगे बढ़ाना रहेगा। तो कौन कौन से जिला आर्थिक स्थिति जो कमजोर था, जो शिक्षा से कमजोर था, उन्हीं का डेवलपमेंट, वृद्धि करना, विकास करना ही हमारा आकांक्षी जिला कहलाता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है भारत में अभी टोटल कितने आकांक्षी जिला है करके, तो भारत में हम लोग का टोटल 115 आकांक्षी जिला है दोस्तों। भारत की बात करें तो भारत में टोटल आप लोग का 115 आकांक्षी जिला है, जिसमें का 115 भारत में है, तो भारत में से हमारा छत्तीसगढ़ में टोटल 10 जो है, 10 आकांक्षी जिला छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं आप लोग का, छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिला है दोस्तों, ठीक है। तो आकांक्षी जिला कौन कौन है उसको देख लेते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग, पूरा बस्तर, पूरा बस्तर संभाग आप लोगों का पूरा क्या है, बस्तर संभाग, बस्तर संभाग टोटल आप लोग का क्या है दोस्तों, आकांक्षी जिला है। बस्तर के साथ 3 जिला और याद रखना, राजनांदगांव याद रखना, राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद याद रखना दोस्तों आप लोग को कोरबा और महासमुंद, क्या याद रखना है, कोरबा और कोरबा के बाद महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। ये टोटल हमारा बस्तर संभाग का 7 और ये तीनों जिला, राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद, टोटल 10 ऐसे जिला है जो क्या है आप लोगों का आकांक्षी जिला है। तो मैप के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों, देखो आप लोग भी ऐसे मैप में से याद रखना,
ये हो गया आप लोग का छत्तीसगढ़। तो पूरा हमारा बस्तर संभाग, बस्तर संभाग का भी 7 जिला बताया हूँ, वो टोटल बस्तर संभाग के हमारे 7 जिला हो गया। उसके बाद 3 जिला देख लो, यहाँ पर राजनांदगांव एक, उसके बाद क्या बताया कोरबा, यहाँ पर कोरबा याद रखना ठीक है, और याद रखना महासमुंद, ये आप लोग का रायपुर जिला में मतलब रायपुर संभाग में ठीक है महासमुंद। तो देखो आप लोग को पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि रायपुर संभाग में कितने आकांक्षी जिला है, तो रायपुर संभाग में आकांक्षी जिला कितना हो जाएगा दोस्तों, रायपुर संभाग में ओनली वन, वन केवल एक। पूछ सकता है बिलासपुर संभाग में कितने आकांक्षी जिला है, तो बिलासपुर संभाग में एकमात्र कोरबा जिला आप लोग का आकांक्षी जिला है। पूछ सकता है आप लोग का दुर्ग संभाग में कितने आकांक्षी जिला है, तो याद रखना राजनांदगांव ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को इसको बढ़ाने की बात हो रही थी, बढ़ करके 12 हो सकता है दोस्तों, कितना हो सकता है 12 हो सकता है, क्योंकि खैरागढ़ और आप लोग का किसको नीचे मोहला मानपुर उसको ही बनाया जा सकता है, क्लियर है। तो याद रखना अभी फिलहाल तो इतना याद रखना। तो ये हो गया आप लोग का दुर्ग संभाग में एक राजनांदगांव, और टोटल बस्तर में आप लोग का कितना है 7। इस प्रकार से हमारा टोटल आकांक्षी जिले की संख्या हो जाता है 10, जो कि भारत में 115 है, तो 115 में से 10 हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों ठीक है। अब पूछा जाता है आप लोगों का हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जैविक जिला स्थित है करके, तो जैविक जिला याद रखना ठीक है, जिसको पूर्ण जैविक कहते हैं, फर्टिलाइजर याद रखना दोस्तों ठीक है, पूर्ण पूर्ण जैविक जिला, तो पूर्ण जैविक जिला याद रखना दोस्तों आप लोग, पूर्ण जैविक जिला मतलब ऐसा जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो, जहाँ पर आप लोगों का जहाँ पर कमी होता है, विभिन्न प्रकार खनिज का बढ़ावा करना हमारा पूर्ण जैविक कहलाएगा। तो इसमें देखो कौन कौन सा जैविक आएगा, तो पूर्ण जैविक हमारे जिलों की संख्या वर्तमान में दोस्तों आप लोग का 5, कितना है पूर्ण जैविक जिला, पूर्ण जैविक जिला छत्तीसगढ़ में कितना करके पूछा जाएगा, तो 5 छत्तीसगढ़ में कितना है 5 याद रखना है 5, तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिला है 5। वो क्या क्या है याद रखना है, देखो बस्तर संभाग में 3, बस्तर संभाग में क्या याद रखना है 3 याद रखना है, बस्तर संभाग में 3 × 4 याद रखना है, 4 कितना रखना है 4, बस्तर संभाग में 4, और बस्तर संभाग में 4 कौन कौन से पूर्ण जैविक जिला है तो याद रखना दोस्तों ठीक है। पहले याद रखना बीजापुर, क्या याद रखना है बीजापुर, फिर उसके बाद याद रखना है इसका भाई नारायणपुर, नारायणपुर के बाद याद रखना है दंतेवाड़ा फिर याद रखना है दंतेवाड़ा से लगकर क्या बनाया गया था सुकमा, ये चारों जिला आपका क्या है दोस्तों हमारा पूर्ण जैविक जिला है, और एक और शामिल किया गया है हमारा रायपुर जिला से अलग करके जो हुआ था 2012 में गरियाबंद, गरियाबंद को भी क्या कर दिया गया पूर्ण जैविक जिला घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कितना है आप लोग का 5, वर्तमान में अभी 5 पूर्ण जैविक जिला है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्लियर है ठीक है। देखो यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि आप लोग को किसी भी प्रकार का छत्तीसगढ़ जीएस की जरूरत पड़ता है तो आप लोग ऑनलाइन आ जाना रात के 8:30 बजे, मैं डेली लाइव सेशन क्लास लेने वाला हूँ, तो आप मैं कल से लेना शुरू कर दिया हूँ, तो आज फिर से मैं उपस्थित होऊंगा आप लोग के समक्ष 8:30 बजे ऑनलाइन दोस्तों ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जो बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं या ऑनलाइन आऊं आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे दोस्तों ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।